पंजशीर में तालिबान विद्रोही सेना के बीच भीषण जंग होगी। पंजशीर के बाहर तालिबान लड़ाकों ने जमाया डेरा। पंजशीर में अहमद मसूद के नेतृत्व में विद्रोही सेना तैयार, पंजशीर को तालिबान के हवाले नहीं होने देने का दावा। पंजशीर को तालिबान के हवाले नहीं होने का दावा। ये तस्वीरें देखिए, कैसी भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है वहां, और तालिबान इस जगह पर कभी अपना झंडा नहीं फहरा पाया। तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिकी हथियारों से शुरू कर दी है लड़ाई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पंजशीर के शेरों से अभी तक पार नहीं पाया है। यहां पर देख रहे हैं आप भीषण लड़ाई, और पंजशीर में बच्चों तक ने बंदूक उठा ली है। ये सुन रहे हैं आप, ये गोलियां बरस रही हैं, बारूद बरस रहा है, और इसमें लोगों के लिए पाकिस्तान की तरफ से फरमान ये है कि आए वीजा लगवाएं, हम आने देंगे। लेकिन पहले मैं जाना चाहूंगा अब अशोक सज्जनहार साहब के पास। अशोक सज्जनहार साहब, क्या ये वक्त नहीं है कि अफगानिस्तान में पंजशीर के लोगों का, अमीरुल्लाह सलेह के नेतृत्व में जो लोग लड़ रहे हैं उनका, अहमद मसूद का, इन लोगों का साथ देने के लिए इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी सामने आए? हाँ नहीं, बिल्कुल आना तो जरूर चाहिए, और मेरे ख्याल से देखिए ये शुरुआत हुई है जो रेजिस्टेंस की तालिबान के विरुद्ध, परंतु ये पहला जो भी इसका नतीजा होगा, क्योंकि चैलेंजेस चुनौतियां पंजशीर में जो हैं उनके पास लिमिटेड वो होगा, जो भी है सप्लाईज वगैरह होंगी, चारों तरफ से वो घिरा हुआ है अफगानिस्तान से जिसके ऊपर ये कब्जा है तालिबान का, तो मुश्किलात तो उनके लिए है। परंतु तो सर, अगर किसी डील के तहत हुआ है, मैं माफ कीजिएगा आपको बीच में रोककर ये पूछ रहा हूँ, किसी डील के तहत हुआ है तो अमेरिका भी जाहिर है उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से तो ये कोई डील की बात नहीं है, क्योंकि इसमें तो अमरुल्ला साले ने, वो वहां निकल गए हैं, उन्होंने अपने को डिक्लेयर किया है केयर टेकर प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से रिजाइन भी कर देता है तो केयर टेकर प्रेसिडेंट फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बनता है, तो वो उन्होंने अपने को डिक्लेयर कर दिया है। और अहमद मसूद ने भी, अब ये बातचीत हुई है उनकी, जो उनको टेलीफोन आया उनको भी, देखिए तालिबान का क्या स्ट्रेटजी रहा है, दो चीजें हैं इसमें। आपने पहले कहा था जो ये पाकिस्तान तालिबान को एकदम बहुत जोर शोर से सपोर्ट कर रहा है, तो मैं प्रश्न पूछूंगा कि क्यों ना सपोर्ट करे, क्योंकि तालिबान तो उसी की पैदाइश है, उसी ने तो उसको शुरू किया है। अब 1994 में जब वो वहां पर गया पहले, और पिछले 20 साल तक किसने उसे पनाह दी है? देखिए अमेरिका इसीलिए फेल हुआ है दिनेश, क्योंकि उसने जो जड़ है वहां पर वो नहीं गया है, जो उसने ऊपर से पत्ती और ब्रांचेस को काटता रहा है। जब तक जड़ को नहीं आप करेंगे तो फिर क्या होगा? कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट आप करते रहे, आपने केवल विंडो ड्रेसिंग की, आपने कभी भी जो जहां पर आपको दवाई लगानी चाहिए जख्म के अलावा बाकी सब जगह लगा दी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।